दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नेल फंगस यानी नाखूनों में होने वाला संक्रमण। ये एक तरह का फंगस होता है जो हमारे हाथ पैरों के नाखूनों में हो जाता है और जो ना सिर्फ हमारे नाखूनों की सुंदरता को बिगाड़ देता है बल्कि हमारी स्किन तक पहुँच जाने पर खतरनाक रूप भी ले सकता है। दोस्तों नेल फंगस जिसे इंग्लिश में पेरोनिशिया कहा जाता है, ओनिकोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाखून कवक के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में बहुत ही साधारण सी बीमारी लगती है। भारतीय समाज में 90% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है नेल फंगस होने के, इसके कौन कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकें कि हमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है और कौन कौन से वो घरेलू उपचार हैं जिन्हें करके आप इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो इसका इलाज एलोपैथी में भी है परंतु वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है और लंबा भी चलता है, इसलिए लोग उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। परंतु हमारे आयुर्वेद में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से प्रिवेंशन हैं जिनके द्वारा आप इस बीमारी से बचे भी रह सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जानते हैं सबसे पहले कि पेरोनिशिया यानी नेल फंगस होता क्या है। दोस्तों नाखून सिर्फ हमारे हाथ पैरों की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे स्वास्थ्य का दर्पण भी होते हैं। हमारे हाथ पैरों की खूबसूरती पर चार चांद लगाने वाले ये नाखून कई बार फंगस का शिकार हो जाते हैं। नेल फंगस एक सामान्य संक्रमण है जो हाथों और पैरों की उंगलियों में और अंगूठे में हो सकता है। इसमें आपके नाखून मोटे रंगहीन हो जाते हैं और उनमें दरार भी पड़ जाती है। दोस्तों आमतौर पर इसमें दर्द नहीं होता है परंतु अगर ये ज़्यादा फैल जाए तो इससे हमारी स्किन पर भी फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है, होने की आशंका बढ़ जाती है। वैसे तो ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है परंतु डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, उनको ये प्रॉब्लम होने की आशंका बढ़ जाती है। बड़ी उम्र के लोगों को भी फंगस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन लेडीज़ को आर्टिफिशियल नेल्स लगाने का शौक रहता है उनमें भी नेल फंगस होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है केमिकल्स के साथ या केमिकल्स बेस्ड डिटर्जेंट के साथ तो आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल्स वाले डिटर्जेंट के साथ एक्सपोजर होने की वजह से नेल फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मैनीक्योर या पेडिक्योर कराते हैं तो भी फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको नेल्स में कोई इंजरी हुई है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। या फिर आप को कोई पैरों में दाद की समस्या है या सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को भी नेल फंगस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये फंगस मॉइस्ट में, ह्यूमिड में, नमी में ज़्यादा ग्रो करता है। जब हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये आपके नेल्स को ख़राब करना शुरू कर देता है। नमी वाली जगह पर रहने वाले लोगों को ये फंगस का खतरा ज़्यादा रहता है या जिन लोगों का नमी का काम ज़्यादा रहता है, पानी का काम ज़्यादा रहता है, उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय, कारगर घरेलू उपाय जिनके द्वारा आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और जिसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। चलिए बताते हैं। नंबर वन पर आता है टी ट्री ऑयल विद कोकोनट ऑयल। दोस्तों इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच नारियल का तेल और उसमें डालनी है 5 से 6 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब एक रुई के टुकड़े को इस ऑयल में डिप करना है और इफेक्टेड नाखून पर इसे लगाना है। दिन में रोजाना 2 बार इसे लगाएं जब तक कि फंगस पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल गुण मौजूद होने की वजह से नाखून में होने वाले फंगस से बचाने में काफ़ी मदद करता है। ये प्राकृतिक कीटाणुनाशक है जिसमें कवकनाशी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं और ये एक कारगर नुस्खा है। दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है विक्स वेपोरप। ये भी एक कारगर नुस्खा है।
इसमें मौजूद मेंथोल कंपाउंड पेरोनिशिया के लक्षणों को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसके लिए पहले आपको अपनी उंगलियों को अच्छे से सूखा कर लेना है, वॉश कर लीजिए, फिर उसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। अब विक्स वेपर अप को प्रभावित नाखूनों के चारों ओर लगाइए। विक्स लगाने के बाद प्रभावित नाखून को रुई से लपेट लीजिए। इसे रात भर ऐसे ही लगे रहने दें। हफ्ते में 3 बार इसको इस्तेमाल करें जब तक कि आपका फंगस पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही सफल और आजमाया हुआ नुस्खा है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा सिरका। आप इसके लिए नॉर्मल वाइट सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेल फंगस में सिरके का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण नाखून के फंगस को ख़त्म करने में बहुत सहायक होते हैं। इसके लिए आपको लेना है 1/2 कप सिरके का। अब एक टब में आपको 4 से 5 कप पानी डाल लेना है और 1/2 कप सिरके को मिला लेना है। अपने इफेक्टेड एरिया को इस सिरके वाले पानी में 20 मिनट तक डिप करके रखना है। रोजाना एक बार इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है। डिप करने के बाद अपने हाथों या पैरों को इफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश कर लें और उसे ड्राई करके कोई भी एंटीबैक्टीरियल पाउडर लगाना ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। चौथे नंबर पर आता है लहसुन। लहसुन भी नाखून के संक्रमण को ठीक करने में सहायक होता है। इसमें मौजूद एंटी फंगल गुण बैक्टीरिया को दोबारा पनपने नहीं देता। इसके लिए कुछ लहसुन की कलियों को लें, उन्हें अच्छे से मैश कर लें। अब आपको इसमें डालना है थोड़ा सा वाइट विनेगर। सफ़ेद सिरका लेना है। इस मिश्रण को इफेक्टेड एरिया पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा लें या उस एरिया को इस मिश्रण में डिप कर लें। 15 मिनट तक डिप करने के बाद आपने साफ पानी से वॉश कर लेना है और इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है और कोई भी एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करना है। रोजाना प्रयोग करें इसे जब तक कि आपका फंगस पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है। नंबर 5 पर आता है माउथवॉश और एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, माउथवॉश में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं जिसकी वजह से ये मुंह के कीटाणु को मार देता है और यही कारण है कि नाखूनों के इन्फेक्शन के लिए भी इसे असरदार माना जाता है। इसके लिए आपको 1 ढक्कन माउथवॉश लेना है और 1 चम्मच विनेगर की लेनी है। एक बाउल में इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को रुई की मदद से इफेक्टेड एरिया पर लगा लें या फिर आप अपने इफेक्टेड एरिया को उस मिश्रण में डिप कर लें। 10 से 15 मिनट तक इसे डिप करने के बाद किसी साफ पानी से वॉश कर लें और टॉवल से अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद किसी एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। इसे डेली प्रयोग करें जब तक कि आपका इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ घरेलू उपाय